आज के वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो 6 जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 13 और कस्ट 13 का जो बीटा फॉर्म है वह यहाँ पर लाइव कर दिया गया है। इस फॉर्म को किन उसको अप्लाई करना चाहिए, किन उसको मिस करना चाहिए, आप फॉर्म तो अप्लाई कर लोगे फिर आपको अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, सारे को डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो रेनो 6 डिवाइस के एंड्रॉइड 13 और कस्ट 13 बीटा फॉर्म के बारे में बात करें, उससे पहले आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहां पर आपको आपके डिवाइस में जो भी सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिल रहा है उसे आपको अपडेट कर लेना है, तभी आपके डिवाइस में जो कलर का बीटा फॉर्म है वहां पर शो होगा। अब और बात करते हैं कि किन उसको उस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए और किन उसको मिस करना चाहिए, तो ये एक बीटा अपडेट है। इस अपडेट के साथ में आपको हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी ड्रेन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस अपडेट को अपडेटेड मत करिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लेना। और जो यूजर अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं और टेस्ट के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा। आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, राइट कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको बीटा शो होगा। बीटा पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, उस पर आप ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपको फॉर्म अंडर रिव्यू में जाएगा, अंडर रिव्यू से अप्रूव्ड या फिर पास होगा जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हो जाएगा। फिर आपके डिवाइस में अपडेट जो कलस्टरिन का मिलेगा बीटा अपडेट, वो यहाँ पर 3 वर्किंग डे के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की ओर से। तो तब तक लिए आपको आपके डिवाइस में वेट करना है, अंडर रिव्यू में जब फॉर्म चले जाए फिर आपको अंडर रिव्यू से अप्रूव्ड या फिर पास हो जाएगा, फिर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। फिर उसे इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके डिवाइस की इंटरनेट स्टोरेज 20 GB फ्री स्पेस रखना है और डिवाइस का बैटरी 60% प्लस चार्ज होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस में उस बीटा को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यार इस छोटी छोटी यही था, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता हूं तब तक, बाय बाय, टेक केयर।